ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा रेती बंदर एक नंबर से चार नंबर तक बने झोपड़ों को फॉरेस्ट विभाग ने नोटिस जारी किया है कि ये झोपड़े तोड़े जाएंगे, जिसकी वजह से इस रेती बंदर परिसर में रहने वाले लोगों में खलबली मच गई कि उनके झोपड़े तोड़े जाएंगे। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 वर्षों से यहाँ झोपड़े बने हैं और लोग इनमें रहते भी हैं, मगर जब फॉरेस्ट विभाग की तरफ से इन झोपड़ों में रहने वालों को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद राजनीति गलियारों में भी हलचल तेज हो गई और रेती बंदर परिसर में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में कलवा मुमरा के आमदार जितेंद्र आभाट ने रेती बंदर परिसर में रहने वाले लोगों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि मैं एक भी झोपड़ा नहीं टूटने दूंगा। ऐसा है कि कुछ यहाँ कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये घर तोड़वाना चाहते हैं। हम किसी भी हाल में ये घर बचा के रहेंगे, क्योंकि ये सब 50 साल पुराने रहने वाले, ये कोई आज की नई बस्ती नहीं है और कानूनन 2000 के पहले जो घर है उसको तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। घर टूटने नहीं देंगे। नहीं देखिए, जैसे हमारे अंदर से हमने बोला है, एक्चुअली ये इतनी बड़ी जो तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए हैं वो भय की वजह से है, डर की वजह से है, क्योंकि एक पिछले 8 दिन से उनको कुछ नोटिस आ रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो हमारे जो गुन्ना दादा है और नीलेश पाटिल है, इन्होंने इनका एक मंडल है, उनकी तौर से उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी बात की, यहाँ के लोगों से बात की, तो एक बैठक का आयोजन किया गया। तो कुछ कारणवश हमारे जो मेन अतिथि थे वो आ नहीं पाए। इसका मेन कारण ये है कि हमारे आमना सामने अभी आपको बताया है कि यहाँ के जो घर है, हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा है, मतलब लगभग 40-50 साल पुराने यहाँ के घर है। ऐसा नहीं है कि नया कोई बसा हुआ है। तो जैसे अंदर साहब ने और हमारे जो कार्यकर्ता एनसीपी के और नगर सेवक है कि अगर ज्यादा कुछ होता है तो हमारे अंदर साहब के नेतृत्व में हम रास्ते पे आने के लिए कम नहीं करेंगे, ये मैं आपको आपकी ओर से बताना चाहती हूँ। वो नोटिस पे अधिकृत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो स्टैंप होना चाहिए, जब स्टैंप होता है तो एक लीगल हो जाता है प्रोसीजर। ऐसा तो कोई भी, मैं आपको आपके माध्यम से जनता को बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये ऐसा पेपर है, ये ऐसा पेपर है जिसके ऊपर कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टैंप नहीं है। ये तो कोई भी छपवा सकता है, ये कोई भी बनवा सकता है। तो लीगल नोटिस अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भेज सकते हो, मुझे इसमें भी कोई साजिश नजर आ रही है। वही आमदार जितेंद्र आभाट के इस आश्वासन के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ वो कई सालों से रहते हैं और अचानक उनके घरों को तोड़ने के लिए नोटिस आ जाता है। लोगों का कहना है कि हमारा जो कुछ भी है यही है, अगर कार्रवाई कर तोड़ा गया तो हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। फिलहाल आमदार जितेंद्र आभाट ने कहा है कि एक भी झोपड़ा नहीं तोड़ने देंगे, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।